हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी, साथ ही साथ मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी कि आखिर मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हो, आप मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करती हो, तो मैं ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ, आपको पता ही है, पर इतनी सारी चीज़ें हमेशा यूज़ करना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ चीज़ें मेरी ऐसी फेवरेट हैं जो मैं हमेशा उनको यूज़ करती हूँ, और जब मुझे रिव्यू करना होता है तो मैं एक आध टाइम वो रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर देती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ें मेरे स्किन पर सूट कर रही हैं या नहीं, और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकूँ। तो आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये एक्ने लार्ज जेल। तो ये भी क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल ही है, और आपको पता ही होगा क्लिंडामाइसिन जेल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक ये इसका कंपनी अलग है पर इसमें चीज़ें वही हैं, क्लिंडामाइसिन ही हैं। और इसकी जो क्लिंडेक ए जेल आती है वो मैं उसका रिव्यू कर चुकी हूँ, उसको भी मैंने बहुत दिनों तक यूज़ किया पर अभी मुझे वो मिली नहीं, तो मैंने ये वाला जेल परचेज़ किया एक्ने लार्क, जिसमें कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, क्लिंडेक ए जैसी ही है, बस डिफरेंस है प्राइस का। तो आपको क्लिंडेक ए क्लिंसॉल जेल, क्लियर जेल आता है एक क्लिंडामाइसिन का, एक्ने लार्क ये हुआ, ये सारे बिल्कुल सेम हैं, बस प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है इनमें। 1% क्लिंडामाइसिन यूज़ किया गया है, पैराबेंस इसमें है पर 0.20% है, जो कि स्किन के लिए सेफ होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। और तो इसको आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें भी क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक होता है जो कि स्किन पे जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जिससे कि एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है वो दूर करता है, आपकी स्किन को ड्राई करेगा और पिंपल्स को रिमूव कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होगी तब आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी, पर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है तब ड्राइनेस तो आएगी ही आएगी। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि उनके क्लिंडामाइसिन जेल यूज़ करने से दाग धब्बे भी दूर हो गए। बहुत सारे लोगों की स्किन पे ये स्कार्स पे भी काम करता है, दाग धब्बों पे काम करता है, पर मैं इसको बहुत दिनों से लगाती आ रही हूँ, कभी इससे मेरे दाग धब्बे दूर नहीं हुए हैं। और पर जब भी पिंपल होते हैं वो दाग छोड़ के ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब दाग नहीं छोड़ते हैं पिंपल, पर जो पुराने दाग धब्बे हैं उन पर ये काम नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंग। पर हो सकता है आप जब इसको यूज़ करें तो ये आपके दाग धब्बों पर भी काम करे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसको यूज़ कैसे करना है, तो मैं इसको नाइट में यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो भी ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ उनको रात में ही यूज़ करती हूँ, दिन में नहीं यूज़ करती हूँ, पर आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी पतली सी लेयर अपने स्किन पर लगा लीजिए, दिन में 3-4 घंटे लगे रहने दीजिए, वॉश कर लीजिए। नाइट में यूज़ करते हैं तो ओवर नाइट आप इसको यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। और ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है तो सिर्फ आप अपने जहाँ जहाँ पिंपल हुए हैं वहाँ यूज़ कीजिए, पूरे फेस पे यूज़ नहीं कीजिए। पर मैं पूरे फेस पे यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं होती है। दिन में यूज़ करते हैं, इसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको 5-6 दिन में थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो आपकी स्किन पर डिपेंड करता है यार, सबकी स्किन अलग होती है, किसी को 2-3 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को 5-10 दिन में मिल जाता है, किसी को 15-20 दिन में भी नहीं मिलता या मिल जाता है, तो आपकी स्किन पर डिपेंड करता है। आप इसको यूज़ करके देखो, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे पर आपको रिजल्ट्स इसके ज़रूर अच्छे मिलेंगे। तो ये जो जेल है आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी, और ये जो एक्ने लार्क है इसमें सिर्फ क्लिंडामाइसिन है, इसमें एक एक्ने लार्क एन आता है जिसमें कॉम्बिनेशन रहता है क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड का, और निकोटिनामाइड जो होता है विटामिन बी का फॉर्म होता है, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे क्या करती है स्वेलिंग रेडनेस स्किन से बहुत जल्दी दूर करती है। तो आपको जो भी मिलती है आप ले सकते हैं, दोनों ही एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, तो जो भी अवेलेबल हो आपके आसपास वो आप ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते ही करते हैं, और हो सकता है कंपनी का नाम अलग हो पर क्लिंडामाइसिन पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
आप खुद से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं तो आप खुद से ही यूज़ करती हूँ, पर अगर आपकी स्किन पे अलग से कोई प्रॉब्लम है, सेंसिटिव है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तब आप इसको यूज़ नहीं कीजिए, यूज़ करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो फिर यूज़ करो। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ये मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे एक्ने हो जाते हैं, इसके साथ में क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ अब वो शेयर करूँगी। फेस वॉश करने के लिए मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये है हिमालया का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। तो मैं चेंज भी करती रहती हूँ, पर मुझे जब समझ नहीं आता है फिर मैं अपना इस पर आ जाती हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है और मैं इसको बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका अलग से रिव्यू करूँ तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना, मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूँगी। तो फेस वॉश करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ, इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन ड्राई नहीं होती है और अच्छे से काम करता है, एक्ने भी नहीं होते इसको लगाने के बाद। ऐसा नहीं है कि एक्ने दूर करता है पर बढ़ाता नहीं है और स्किन को ड्राई नहीं करता है, स्किन को ऑयल फ्री बनाता है। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ये सारे काम करता है, छोटे पैक्स में भी आता है, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देख सकते हो। तो मैं अपना फेस वॉश करने के बाद मैं इसको 2 से 3 बार यूज़ करती हूँ और हो जाता है कि बीच में जिन प्रोडक्ट्स का मुझे रिव्यू करना होता है उनको यूज़ कर लेती हूँ, पर इसको 2 बार तो कम से कम यूज़ करती ही करती हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये टोनर, तो मैं घर पे बना टोनर यूज़ करती हूँ, मैं मार्केट वाले टोनर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी सूट नहीं करता है। या फिर मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी या फिर मैं ये एप्पल साइडर विनेगर का टोनर बना के रखती हूँ। तो टोनर क्या कहते हैं, एप्पल साइडर थोड़ा सा लेती हूँ, उसमें वाटर मिक्स करती हूँ और ये अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। जब जब मैं फेस वॉश करती हूँ उसके बाद मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब आप टोनर लगाते हैं इसके बाद आप कोई भी चीज़ लगाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा चेहरा ऑयली नहीं करती है। टोनर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इसको अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करो। और आप कई तरीक़ों के टोनर घर पर भी बना सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी का, मैं एप्पल साइडर का पसंद करती हूँ, और ऐसे स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए और अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए, जब ड्राई हो जाए इसके बाद मैं कोई मॉइस्चराइज़र लगाना पसंद करती हूँ। तो दिन की बात करूँ तो दिन में मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ये इसका भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, यूवी ब्रेक सनस्क्रीन है पर ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन चाहते हो तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। और इसको भी मैं बहुत टाइम हो गया यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे मेरे डॉक्टर ने, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया था और इसको भी मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। तो ये नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन है और इसमें एलोवेरा भी है, जिससे जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना मेरी स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और साथ ही साथ सनस्क्रीन भी है और ये काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, SPF 50 के साथ है और नॉन ग्रीसी है, लाइट वेटेड है, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। अब जैसे मैंने शाम को या एक आध बार और फेस वॉश किया तो उसके बाद मैं जो मॉइस्चराइज़र लगाना पसंद करती हूँ वो है ये एलोवेरा जेल, ये एवरयूथ का एलोवेरा जेल है जिसका रिव्यू आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, जब भी चेहरे पे दाने होते हैं तो टी ट्री ऑयल इसमें मिक्स कर देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए, ये यूज़ करती हूँ। अगर शाम को वॉश किया फेस तो कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन 5-6 बजे तक लगा के रखती हूँ, इसके बाद मैं एलोवेरा जेल वगैरह कुछ भी लगा लेती हूँ। तो एलोवेरा जेल लगाती हूँ और फिर आती है नाइट में क्या करती हूँ, तो नाइट में फेस वॉश करने के बाद, टोनिंग करने के बाद, जब टोनर अच्छे से ड्राई हो जाता है, स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाता है, तो मैं अपना ये जेल लगा लेती हूँ, ये लगाती हूँ या क्लिंडेक ए जेल लगाती हूँ, पर अभी कुछ दिनों से मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ, इसकी पतली लेयर अपने फेस पे लगा लेती हूँ। तो मेरा स्किन केयर रूटीन इतना ही सिंपल है, ज़्यादातर जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वो यही है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले सीरम का रिव्यू किया था तो कुछ दिनों तक सीरम यूज़ कर रही थी, तो ऐसे मैं चेंजेस करती रहती हूँ, पर ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो इतनी ही है, इससे ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा चेहरे पे लेयर बनाना मुझे पसंद नहीं है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला स्किन केयर मुझे करना पसंद नहीं है कि मैं 7 स्टेप करूँ, 10 स्टेप्स करूँ, नहीं, बड़ा ही सिंपल
यही मेरा स्किन केयर रूटीन है। जब आप इसको लगाते हैं, अगर आपको चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है तो आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। और इसके ऊपर अगर मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है तो मैं इमोलिन क्रीम यूज़ करती हूँ। इमोलिन क्रीम, इसकी हालत देख सकते हो कितना ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर मैं कभी कभी लगाती हूँ, अगर मेरी कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको लगाते लगाते मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो मैं एक दिन का गैप लेके फिर इसको यूज़ करने लगती हूँ। तो यही मेरा स्किन केयर रूटीन है, इतना सा ही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और किसी भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू चाहते हैं तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं रिव्यू ज़रूर करूँगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।